अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है 12.12, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. स्टूडेंट्स सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. सो व्हाट आर द मैग्नीफाइड इमेजेस स्टूडेंट्स? मैग्नीफाइड इमेजेस का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बढ़ा देने की कुव्वत होती है किसी इंस्ट्रूमेंट की, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बड़ा इमेज होता है, लार्ज साइज इमेज होता है, कितना लार्ज साइज इमेज किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट का कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है, वो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है. सिंपल माइक्रोस्कोप में ये एबिलिटी होती है कि वो हमें एक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का मैग्नीफाइड इमेजेस देता है. इन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का मैग्नीफाइड इमेज हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप, और उसके अंदर जिसका इस्तेमाल होता है दैट इज़ कन्वेक्स लेंस. स्टूडेंट्स कन्वेक्स लेंस को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कन्वेक्स लेंस. ओके, कन्वेक्स लेंस हमारे पास उसकी टू सरफेसेस होती हैं कन्वेक्स लेंस की. ओके, एंड टू सरफेसेस, टू हॉलो स्फीयर होते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक दिस. टू हॉलो स्फीयर्स की एजेस को जब हम ओवरलैप करवाते हैं तो उसकी ओवरलैपिंग से स्टूडेंट्स हमारे पास एक लेंस बनता है जिसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं. इसका इतना हिस्सा हम कट कर लेते हैं तो ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्लास का बना हुआ, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस बनता है, जस्ट लाइक दिस. सो दिस इज नाउन एज कन्वेक्स लेंस. यानी अगर हम कह लें कि ये साइड इसकी हम ए कह दें इसको और इसको बी कह लें, तो आप देखें ए एंड बी सरफेसेस आर बैंड्स आउटवर्ड. सो कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जिसकी दो सरफेसेस होती हैं, आउटवर्ड बैंड्स आउटवर्ड, और दोनों के दोनों सरफेसेस बैंड हुई होती है आउटवर्ड की तरफ. और स्टूडेंट्स यही कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर. सो कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट्स हमारे पास याद रहे आपको, दैट इज आल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस. ओके, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहलाता है? बिकॉज जब इसके ऊपर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे फॉल करती है तो ये तमाम पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट के ऊपर. ओके, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस. ऑल लाइट्स को, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस को जब ये कन्वर्ज करता है एक पॉइंट के ऊपर तो हमारे पास वो इसका फोकल पॉइंट कहलाता है. ओके, एंड स्टूडेंट्स जो कन्वेक्स लेंस होता है वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल और शार्प इमेज देता है, दैट्स व्हाई हम कन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ करते हैं. ओके, सो सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए हमारे पास स्टूडेंट्स इमेज लोकेशन बाय लेंजेस के अंदर हमने डिटेल से स्टडी किया था कि ऑब्जेक्ट को जब हम डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं तो हमें उसका डिफरेंट इमेज जो है वो कन्वेक्स लेंस के थ्रू मिलता है. सिंपल माइक्रोस्कोप में चूंकि हमें ऑब्जेक्ट का एक लार्ज इमेज चाहिए होता है, उसको थोड़ा सा हम रिव्यू ले लेते हैं. स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि बियॉन्ड 2F पे जो ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, बियॉन्ड 2F मैं एक कन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ.
Students, this is a convex lens, this one is the optical center, and the line which passes straight through the optical center is known as principal axis. So हमारे पास जब light इस तरफ से fall करती है तो हमारा जो principal focus है वो यहाँ बनता है, और जब light इस तरफ से fall करती है lens के ऊपर तो हमारा प्रिंसिपल फोकस यहाँ बनता है। सिमिलरली इस फोकल पॉइंट को अगर मैं ट्वाइस करूँ तो 2f बनता है। सिमिलरली इसको भी अगर ट्वाइस कर दिया जाए तो ये 2f बनता है। तो स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट केसेस पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट को हम जब 2f के बियॉन्ड रखते हैं, यानी यहाँ पे अगर लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, दैट इज फर्स्ट केस, तो हमने देखा था कि हमें एक स्मॉल इमेज मिलता है ऑब्जेक्ट का, स्मॉल इमेज। सिमिलरली सेकंड में हमने देखा कि अगर 2f के ऊपर रख दिया जाए, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली 2f के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, इट 2f, तो याद रहे आपको इस केस में इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हमें उसका इमेज मिलता है। एंड द थर्ड वन कि अगर हम एफ एंड टू एफ के मिड में रख दें यहाँ पे, जब हम बिटवीन एफ एंड टू एफ तो इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है एंड लार्ज लार्जर इमेज मिलता है इस केस में। सिमिलरली हम अगर इससे भी पास आ जाएं, यानी जो ऑप्टिकल सेंटर है इस कन्वेक्स लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, यानी यहाँ पे, इन दैट केस बिटवीन एफ एंड सी, where F is the focal point of this convex lens, C is the optical center, in that case हमें virtual erect means बिल्कुल सीधा image मिलता है। invert का मतलब क्या होता है? उल्टा image मिलना। erect का मतलब क्या होता है? बिल्कुल straight image मिलता है, जिस डायमेंशन में, जिस डायरेक्शन में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसी डायरेक्शन में हमें उसका इमेज मिलता है। सो एनलार्ज इमेज मिलता है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एनलार्ज इमेज मिलता है उसका। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो टर्मिनोलॉजी यूज की थी, वर्किंग मैकेनिज्म हमने यूज किया था, वो हमने स्लाइड प्रोजेक्टर और स्लाइड प्रोजेक्टर के साथ साथ फोटोग्राफ एंड लार्जर के लिए यूज़ किया था, जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था एफ एंड टू एफ के दरमियान। उस केस में हमें क्या मिलता था? एक लार्जर इमेज चाहिए था। लेकिन हम अब इससे भी ज़्यादा पास लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान रखेंगे, ताकि हमें ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो लार्ज इमेज मिल सके, वर्चुअल इमेज मिल सके और इरेक्ट इमेज मिल सके। ओके, सो कन्वेक्स लेंस का मैकेनिज्म यूज करते हुए हम हमेशा सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट के अंदर। लेट्स सी, करके देखते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट के बीच में तो हमें कैसा है लार्ज इमेज देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, अब हम एक कन्वेक्स लेंस बना के देखते हैं। कन्वेक्स लेंस
या यू कह लीजिए कन्वर्जिंग लेंस। हमने एक कन्वेक्स लेंस बना लिया है, दैट इज अ कन्वेक्स लेंस, दिस वन इज द ऑप्टिकल सेंटर। एंड दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस विच विल पास स्ट्रेट थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर। ओके सो स्टूडेंट्स, this will be a focal, principal focal of this convex lens. If it twice the focal, it will become 2f. Similarly on right side, this will be also a secondary focal, and if it twice f, it will become 2f. Okay, so first students याद रहे कि object को हमने place करना है between optical center and focal point. So we will place the object between optical center and focal point. So this is the object. Okay, so first ray will parallel to the principal axis like that, and after refraction it will pass through the focal point. Okay, now the second ray will pass through this optical center, and any ray if passed through the optical center, it will remain undeviated. It passes straight unchanged to this optical center like that. Students, keep in mind these parallel rays will go to infinite distance and they will never meet at any point. If they will never meet at any point, then no image will be formed. So that's why I will extend back these two rays to left side of the lens, okay, with the help of dotted lines. First of all, I will extend the first ray, okay, to left side of the lens, and now I will extend the second ray to right side of the lens. Look at that. Finally, the virtual, this one we have object, okay, और ये हमारे पास object का क्या बना है, image बना है. तो आप देख सकते हैं simple microscope के अंदर हम ऐसा ही principle पे convex lens काम करता है कि हम convex lens को use करते हैं, और convex lens का हमें इस object का एक erect सीधा इरेक्ट वर्चुअल एंड लार्ज इमेज देता है. वर्चुअल इमेज ऑलरेडी मैं डिटेल से इस पे वीडियो बना चुका हूं. वर्चुअल इमेज वो इमेज होता है जो वर्चुअल इमेजिनरी इमेज होता है स्टूडेंट्स, यानी यू कह लीजिए यू लगता है कि लाइट रेज कहीं बैक से निकल रही हैं और यहाँ इस लेंस के कहीं बैक पे इमेज बन रहा है, बट रियल में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. ओके उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, और इरेक्ट एंड लार्ज इमेज सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर बनता है कन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक जो ह्यूमन आई है, ओके, नॉर्मल ह्यूमन आई,
can see the magnified image, can see magnified image at cm. ओके, यानी एक ह्यूमन आई जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्निफाइड इमेज कब देख सकती है, जब उसके और ऑब्जेक्ट के बीच में कम से कम फासला हो 25 सेंटीमीटर का। स्टूडेंट्स, इस लाइन को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक ह्यूमन आई है ओके, सो यहां हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्टूडेंट्स, दिस इज ऑब्जेक्ट ओके। अब ये ह्यूमन आई इस ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनाएगा, यानी यहां पे ये जो एंगल बनाएगा इस ऑब्जेक्ट के साथ, दिस इज ऑब्जेक्ट, लाजमी सी बात है कि इस सब्जेक्ट में से जो लाइट रे आएंगी और ह्यूमन आइज में के एंटर होंगी, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा इसको हम स्टूडेंट्स कह देते हैं थीटा, दैट विल बी थीटा। अब आप मान लें कि ये जो फासला है स्टूडेंट्स, ये 25 सेंटीमीटर का फासला है ओके। हमने ऊपर लिख दिया है कि एक जो ह्यूमन आई है वो एक ऑब्जेक्ट का, जब ह्यूमन आई से 25 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हो तो हमें उसका मैग्निफाइड इमेज दिखाई दे सकता है। बट व्हाट विल हैपन जब ये ऑब्जेक्ट हम करीब लेके जाते जाएं ह्यूमन आई के, तो पता ही चलता है कि अगर हम बुक को भी देखें बहुत करीब से तो बुक के जो वर्ड्स हैं वो हमें बहुत ब्लर नज़र आने लगते हैं, और इसी तरह जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत करीब से देखते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर से भी करीब के फासले पे देखते हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते, उसका शार्प इमेज नहीं देख पाते, बल्कि हमें उस ऑब्जेक्ट का ब्लर इमेज नज़र आता है, और एक टाइम आता है कि डिसअपियर हो जाता है, हम उस इमेज को नहीं देख पाते। आप बुक्स के वर्ड्स पर प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। ये है हमारे पास फिगर ए ओके, आप मान लें कि ये एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, वेयर एच ओ इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओके। सो स्टूडेंट्स, यहां पे अगेन हम फिगर टू में ह्यूमन आई ले लेते हैं ओके। इन दैट केस हम ऑब्जेक्ट को ह्यूमन आई के करीब ले आते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर से भी जब हम बहुत क्लोज लेके आते हैं सब्जेक्ट को, तो अब जो ह्यूमन आई है ये सब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाएगी ओके। जब ह्यूमन आई इस सब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाती, तो स्टूडेंट्स ऐसे केसेस के अंदर हम फिर कन्वेक्स लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं, किसके बीच में, उस सब्जेक्ट के और ह्यूमन आई के बीच में एक कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये इस ऑब्जेक्ट का एक शार्प मैग्निफाइड इमेज देखा जा सके ओके। सो अगेन अब ह्यूमन आई के साथ ये जो एंगल बनेगा इसको स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि इसको हम कह देते हैं थीटा प्राइम ओके, इसको हम कह देते हैं थीटा प्राइम। सो कन्वेक्स लेंस को जब हम यूज़ करते हैं तो कन्वेक्स लेंस की हेल्प से ये ऑब्जेक्ट इतना सा होता है,
हमें जो उसका इमेज है स्टूडेंट्स वो इतना बड़ा दिखाई देता है, जो इसे पहले हम केस के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब हम कन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो हमें कैसे उसका एक वर्चुअल रेक्ट एंड लार्ज इमेज दिखाई देता है। तो कन्वेक्स लेंस लगाने से हमें उसका ये वर्चुअल इरेक्ट और इन लार्ज इमेज दिखाई देता है, जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो थीटा वो है जब हमने बगैर कन्वेक्स लेंस को लगाए ह्यूमन आई के साथ 25 सेंटीमीटर के सब्जेक्ट पे जो एंगल बन रहा था ह्यूमन आई के साथ लाइट रे का, उसको हमने थीटा कह दिया। और कन्वेक्स लेंस को लगाने के बाद जो एंगल बन रहा है उसको हम कह देते हैं थीटा प्राइम। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर, सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर की। मैग्नीफाइंग पावर, ओके, मैग्नीफाइंग पावर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ऑब्जेक्ट के साइज़ के लिहाज से, जो साइज एनलार्ज करना, इमेज के ऑब्जेक्ट के साइज़ के हिसाब से इमेज के साइज़ को कितना बढ़ाता है कोई इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये उसके मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के जो उसका अपना साइज है, जो उसका अपना साइज है उसको कितना बढ़ा सकता है। ये तो आप यूं कह सकते हैं किसी भी चीज को बढ़ाने की जो कुवत है वो मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। यूं कह लीजिए कि यहाँ पे जो साइज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ये था, इसको आप कह लें एच आई। तो आप इमेज का हाइट देख सकते हैं, वो हाइट ऑफ, इसको मैंने एच ओ कह देता हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, इस तरह इसको हम कह देते हैं एच आई। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हाइट के, ऑब्जेक्ट के लिहाज से इस इमेज का हाइट कितना बड़ा है। तो यही माइक्रोस्कोप का भी कमाल होता है कि किसी भी चीज़ को कितना बढ़ा सकता है, ये किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास एक्चुअल में इक्वल होती है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ इमेज, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में रेशो होती है किस चीज की, ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशो टू द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ये वो मैग्नीफाइंग पावर हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितना इमेज का लार्ज हाइट प्रोड्यूस करता है इमेज के हाइट की निस्बत, वो उसकी मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल के हिसाब से देख लें साइज ऑफ इमेज बाय यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप जो यूज़ हुआ हुआ है उसके हिसाब से जो साइज है इमेज का उसको हम कह देते हैं थीटा प्राइम मान लेते हैं। यानी वहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा प्राइम। कन्वेक्स लेंस को लगाने के बाद, सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट को देखने के बाद हमें जो लार्ज एंगल मिलता है और वो जो ह्यूमन आई के साथ एंगल बनाता है दैट इज थीटा प्राइम। और विदाउट यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप जो हाइट इन ऑब्जेक्ट होता है ह्यूमन आई के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज थीटा, तो हम इसको थीटा कह देते हैं। तो यहाँ पे ये थीटा प्राइम बाय थीटा के भी बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास एक डेरिवेशन, तो इसकी खास नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है।
जो कि लिखा जा सकता है वन प्लस डी बाई एफ। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड डी आपके पास, ये इस डी की बात हो रही है। ओके डी डी क्या है, दिस इज नियर, यू कह लीजिए कि नियरेस्ट पॉइंट टू द आई। और ह्यूमन आई के लिए जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो हमेशा 25 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम मैग्नीफाइड इमेज क्लियरली देख सकता है। यहाँ पे एफ क्या है, एफ स्टूडेंट्स फोकल पॉइंट है, ओके, जो कि ये ऑप्टिकल सेंटर है। मान लीजिए कि ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, तो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का फासला क्या कहलाता है, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ कहलाता है। सो एफ इज फोकल लेंथ, वेयर एफ इज फोकल लेंथ। सो स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम होगी, ओके, तो याद रहे उसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होगी। और अगर किसी भी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर कम होगी। दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। और जो फोकल लेंथ है वो मैं आपको अगेन क्लियर कर देता हूँ। ये जो फासला है ये वाला, ये हमारे पास फोकल लेंथ कहलाता है। इसी तरह ये जो फासला है, दिस डिस्टेंस, ये हमारे पास फोकल लेंथ कहलाता है। तो होता क्या है कि कोई लेंस जितना अच्छा लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा, जितना अच्छा बैंड करेगा, उसका जो फोकल पॉइंट है वो उतना ही ऑप्टिकल सेंटर के करीब बनेगा। एंड देन जो फोकल लेंथ है वो मिनिमम होगा, कम से कम होगा। और जब फोकल लेंथ कम से कम होगा तो उस लेंस की मैग्निफिकेशन पावर भी ज़्यादा होगी। और इसी तरीके से जब फोकल लेंथ दूर बनेगा, फोकल लेंथ यानी ये प्रिंसिपल फोकस दूर होगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगा, तो लेंस की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो भी स्टूडेंट्स कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर, अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आप दो ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़े हुए हैं, हो सकता है जब इन दो ऑब्जेक्ट को आप दूर से देख रहे हो तो आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली एक जैसे दिखाई दें। बट अगर आप इन ऑब्जेक्ट को सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, ओके, लेंस के थ्रू स्टडी करें, तो लेंस के थ्रू ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको डिस्टिंक्टली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो कोई भी माइक्रोस्कोप दो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जितना अच्छा डिस्टिंक्ट कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, ये उस लेंस की उतनी ही अच्छी रिजॉल्विंग पावर होती है। तो जब आप इसको लेंस के थ्रू स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से चेंज्ड है, एक जैसे नहीं है। सो आप ये कह सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर किसी सिंपल माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी होती है जो दो क्लोज ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सके। तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इट इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर टू इच अदर।
placed near to each other. सो इसलिए हमने कहा कि दो ऑब्जेक्ट आपको शायद ही दिखाई दे कि एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं, बल्कि जबकि इसको जब सिंपल माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल लेंस के थ्रू देखा जाता है तो हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट को बड़ा क्लियरली डिस्टिंग्विश करके दिखाता है लेंस जो है सिंपल माइक्रोस्कोप, दो पड़े हुए क्लोज ऑब्जेक्ट को करेक्टराइजेशन करता है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है ऑब्जेक्ट्स ये, आदर एट सॉलिड फॉर्म, आदर एट लिक्विड फॉर्म, आदर एट इन गैसेस फॉर्म, इन इसको फुल करेक्टराइजेशन हमें दे देता है। तो जितना अच्छा रिजॉल्विंग पावर होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, उसकी इतनी अच्छी रिजॉल्विंग पावर होती है, और जितना कम रिजॉल्विंग पावर होती है इतना दो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट में माइक्रोस्कोप कम से कम डिस्टिंग्विश कर पाता है। सो दिस डिस्टिंग्विशिंग डिपेंड अपॉन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एंड रिजॉल्विंग पावर इज एक्चुअली एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट प्लेस नियर क्लोज टू ईच अदर। ओके, सो ये थी आपके पास डिटेल में सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली उसका एक मैग्नीफाइड इमेज देख पाते हैं बाय द यूजिंग ऑफ कन्वेक्स लेंस। ओके, एंड हमने डिटेल से देखे कि मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है माइक्रोस्कोप की एंड रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड विद कंसेप्चुअल फिजिक्स लेक्चर्स, एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थैंक्स।